नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरज सर में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हम लोग जानते हुए भी गलत करके आते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद लोग अक्सर कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से आज हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्यों ना प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एक एक नंबर का मायने बहुत ज़्यादा होता है। जब आधे आधे और एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है तब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो क्यों ना आज हम लोग इस स्ट्रेटेजी जीके का महत्वपूर्ण पार्ट अध्ययन कर लें। कुछ 15-20 क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही ज़रूरी हैं, ध्यान रखना, बहुत ही कामगार भी साबित होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश, तो संविधान सभा का निर्माण जो है सबसे पहले किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, तेलकूप, प्रथम तेलकूप का उत्खनन करने वाला देश कौन सा है, तो यानी कुएं से तेल निकालने वाला पहला देश कौन सा है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिका पे थोड़ा सा संकट आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, ठीक है, ईरान इराक के मामले से। ठीक है, सभी को पता होगा। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वेच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश, तो स्वेच्छा मृत्यु, आप इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी गई है, तो सबसे पहला देश कौन सा बना है, नीदरलैंड बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला पहला देश, तो टनल मेट्रो सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ किया है, तो ब्रिटेन, जिसने भारत को गुलाम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो है प्रसा, प्रसा ने सबसे पहले राइट टू एजुकेशन लागू किया है, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नलकूप से सिंचाई करने वाला पहला देश कौन सा है, तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई करता है और पहला देश है चीन। नेक्स्ट, कागजी मुद्रा और सिक्का मुद्रा भी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो भी चीन है। ठीक है, सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं यहाँ के। सिविल सेवा, ठीक है, तो सिविल सेवा का प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है, तो सिविल सेवा का जन्मदाता भी चीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, तो कागज़ का निर्माण चीन में हुआ इसलिए ये सारे कार्य वहीं जाते हैं। ठीक है, तो पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये भी चीन ही है। कृत्रिम स्नोफॉल करने वाला विश्व का प्रथम देश, तो कृत्रिम स्नोफॉल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो वो भी चीन ही है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश, अब ये क्वेश्चन बदला, बैंक नोट, ठीक है, नोट जारी करने वाला तो चीन ही है, लेकिन बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश जो है वो स्वीडन आ गया। ठीक है, स्वीडन, ध्यान रखना है, लोग अक्सर कन्फ्यूज होकर चीन ही लगाते हैं। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश, तो राष्ट्रीय झंडा अपना सबसे पहले अपनाया था डेनमार्क ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क हो गया। कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश, कृत्रिम उपग्रह बना के अंतरिक्ष में सबसे पहले छोड़ा था रूस ने। ठीक है, रूस। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्री नौकाओं का निर्माण करने वाला पहला देश, तो समुद्री नौका सबसे पहले नीदरलैंड में बना था और नीदरलैंड ही सबसे पहले स्वेच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता भी दिया था। ठीक है, नीदरलैंड, और समुद्री नौका का निर्माण भी सबसे पहले नीदरलैंड ने ही किया था। राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला पहला देश, तो राष्ट्रीय गान किस देश ने सबसे पहले प्रारंभ किया है, तो राष्ट्रीय गान अपने देश में जापान ने सबसे पहले स्टार्ट किया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला पहला देश है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश, तो युद्ध टैंक बनाया था सबसे पहले ब्रिटेन ने, युद्ध टैंक सबसे पहले बनाया था ब्रिटेन ने, लेकिन समुद्री नौका का जो निर्माण किया था वो नीदरलैंड ने किया था। ठीक है, नीदरलैंड, समुद्री नौका का निर्माण सबसे पहले नीदरलैंड ने किया और युद्ध टैंक का निर्माण सबसे पहले ब्रिटेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली पहली विदेश क्रिकेट टीम, तो इंग्लैंड के दौरे पर जो गई है पहली विदेशी क्रिकेटर टीम वो है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई है तो नहर का निर्माण करने वाला पहला देश, तो सिंचाई से नहर का निर्माण सबसे पहले किया था इराक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल का निर्माण करने वाला प्रथम देश, तो पुल सबसे पहले बनाया था तुर्की ने। धूम्रपान रहित की दिशा में कदम उठाने वाला पहला देश, तो धूम्रपान पे प्रतिबंध सबसे पहले सिंगापुर में लगाया गया है, सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कर लगाने वाला पहला देश, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कर जो है वो सबसे पहले लगाया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कर लगाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, बुरके पर प्रतिबंध आरोपित करने वाले देश का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। फ्रांस ने मुसलमान की जो लेडीज औरतें हैं वो बुरका पहनते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, फ्रांस पहला देश बना है। नेक्स्ट, अर्थ आवर की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो अर्थ आवर की शुरुआत जो है वो विश्व का पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इससे पहले इंग्लैंड की दौरे पर जाने वाली पहली विदेशी क्रिकेटर टीम भी बनी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कंपनियों का आगमन हुआ है जो भारत में हुआ है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोग अक्सर कन्फ्यूज होकर डाटा लगा के आते हैं गलत। ठीक है, ध्यान रखना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली शब्द यहाँ जुड़ा है। तो पुर्तगाली जो है वो 1498 में आया, 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण या आगमन भारत में हुआ है 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में डच आई, पुर्तगाली आई 1498 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई तो वो आई थी 1664 में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में हुआ है 1600 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ है भारत में 1616 ईस्वी में। ठीक है, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ है 1731 में। इसमें से जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा गया है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा गया है। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, पुर्तगाली 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1616, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में हुआ है 1731 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना है। तो ये थे इतने क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। धन्यवाद।